हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान। हम लोगों ने देखा कि संविधान क्या होती है, इसके कितने काम होते हैं और ये किस प्रकार से अपना ये काम करते हैं, यानी संविधान का पहला काम क्या है, दूसरा काम क्या है, तीसरा काम क्या है, चौथा काम क्या है, ठीक है, और संविधान क्या होती है। इन सारे तथ्यों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जान चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग स्पेशल बात करने वाले हैं कि भारतीय संविधान आखिर बना कैसे, ठीक है, भारत का जो संविधान है वो कैसे बना, इसका बनने का जो प्रक्रिया है वो क्या रहा, कितने सदस्यों ने भाग लिया, बनने में कितना समय लगा, इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट कि वीडियो को पूरा देखिए। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से टॉपिक का ये पोर्शन है और इससे कितने प्रश्नों का कवर हो सकता है। ऐसा नहीं है वीडियो सिर्फ प्ले किए और 1 मिनट के बाद है जो दूसरे चैनल पे चले जाए, फिर तीसरे चैनल पे। तो अगर आप ऐसा करने वाले हैं तो आपको कभी भी कोई भी चैनल आप नहीं देख सकते हैं अच्छे से और नहीं कुछ सीख पाते हैं। आप कोई भी चैनल, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि सिर्फ मेरा ही वीडियो को देखें, आप किसी का भी वीडियो देखें तो कम से कम उसका एक वीडियो पूरा एकदम वॉचिंग करें, पूरा एक वीडियो देखें और उसके बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि वीडियो अच्छा है या नहीं और इससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल पाता है, क्या हमें इससे प्रश्न कवर हो पाएगा या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान जो बना उसका बनने का क्या प्रोसेस रहा, इसमें कितने सदस्यों ने मिलकर अपने जो प्रस्ताव था, प्रस्तावना था, उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया और साथ ही साथ कितने लोगों को संविधान सभा के सदस्यता को छीन लिया गया। क्योंकि आपको पता है कि पहले हमारा जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय हमारे भारत भारत और पाक दोनों सम्मिलित था, लेकिन जैसे ही हमारा संविधान बनने से पहले ही, यानी संविधान जब बन रहा था उससे पहले ही क्या हुआ कि कुछ भारत के कुछ हिस्सों को, भारत को कुछ हिस्सों के नहीं लगभग बराबर हिस्सों को, यानी भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांट दिया गया और एक हिस्सा भारत के नाम से जाना गया और दूसरे हिस्सा है जो पाकिस्तान के नाम से जाना गया। तो ऐसे में क्या हुआ कि पाकिस्तान के क्षेत्र से जितने सदस्य हमारे संविधान सभा में भाग लिए थे उन सारे सदस्यों को सदस्यता छीन लिया गया, यानी उसको इस क्षेत्र से हटा दिया गया, भारतीय संविधान सभा के सदस्यों से उसको हटा दिया गया। तो वर्तमान स्वरूप क्या हुआ कि उसकी संख्या कम गई। तो ये जो सारे एक स्टोरी की तरह ये एक टॉपिक है, इसको आप लोग समझेंगे, लेकिन ये स्टोरी काफ़ी काम का है, आपको मेंस की राइटिंग में लिखने में ये काफ़ी मदद देगा, ठीक है। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय संविधान बना कैसे। तो भारतीय संविधान है जो औपचारिक रूप से भारत के संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? भारतीय संविधान सभा के द्वारा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे भारत का जो संविधान है वो किसके द्वारा बनाया गया या किसके द्वारा अपनाया गया, जिस प्रकार से आता ना कि हमारे राष्ट्रीय झंडे को किसके द्वारा अपनाया गया, कब अपनाया गया। तो आपको पता है कि हमारे राष्ट्रीय झंडे को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। और झंडे की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये 3:2 होता। तो इससे ये जो राष्ट्रीय प्रतीक से जुड़े जो टॉपिक है इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना दिए, तो आप लोग उसे देखकर ये सारे इन्फॉर्मेशन उसमें हमने बताया कि राष्ट्रीय झंडा क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, राष्ट्रीय जो गान है वो क्या है, फिर राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय पशु पक्षी सारे के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं, तो आप लोग उसको जरूर देखेंगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि भारत का जो संविधान है उसे बनाया गया था भारतीय संविधान सभा द्वारा, और ये किस रूप से? तो औपचारिक रूप से भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। अब ये जो भारतीय संविधान, जो भारत का जो संविधान का सभा था, यानी भारतीय संविधान सभा को कब किया गया? अविभाजित भारत में इसका निर्माण किया गया, यानी जिस समय हमारे भारत का विभाजन नहीं हुआ था उसी समय से ही हमारे जो भारतीय संविधान सभा का जो सदस्य था उसको चुनने का प्रावधान शुरू हो गया था।
ठीक है, यानी भारतीय संविधान सभा का निर्माण। पहले हमने बताया कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया, तो भारतीय संविधान सभा। अब भारतीय संविधान सभा का निर्माण कब हुआ, किस काल में, तो जब भारत अविभाजित था उसी समय हमारे भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अब भारतीय संविधान सभा, सभा का मतलब होता है बहुत सारे लोग मिलकर एक जगह इकट्ठे होते हैं और अपने अपने फैसले सुनाते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं, ठीक है, और वो निर्णय सभी उस समूह के सभी लोगों को फॉलो करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे ये बात करेंगे कि ये जो सभा का निर्माण हुआ, इस सभा का पहली जो बैठक था, अर्थात हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की, भारत के संविधान सभा का पहली जो बैठक है वो कब हुआ, ठीक है। तो इसका एडजेक्ट जो डेट है आपको याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है, ताकि आपको अंत में जब ये टॉपिक पूरे पढ़ लेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमारे भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा, कितने साल, कितने महीने और कितने दिन। ये आपसे एडजेक्ट प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इसका जो आंसर है वो एडजेक्ट स्वरूप में ही देंगे, ठीक है। तो इसका पहली बैठक है जो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान सभा का पहली बैठक कब लगा। अब बैठक क्यों लगा रहा था, क्योंकि बैठक लगाया जा रहा था क्योंकि हमें भारत के संविधान को बनाना था। तो भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो भारतीय संविधान सभा के लोगों के द्वारा बनाया जाएगा, यानी भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाया जाएगा। तो वो बैठक लगाकर कोई भी निर्णय लेता था, उसके बाद ही तो संविधान बनता। तो ये अपनी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को किया, लेकिन ये कब किया था, इस समय हमारा भारत अविभाजित था। इस समय हमारा भारत कैसा था, अविभाजित था, लेकिन 9 दिसंबर 1946 के बैठक से ही हमारे संविधान का निर्माण नहीं हुआ। इसमें कुछ जो विवादित था वो और चलते गया, क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारतीय संविधान इतने लिखित और विस्तृत है जिसके मामले में अन्य देशों से एक अलग पहचान बनाती है, एक अलग गरिमा बनाती है। तो ये जितनी महान है उतने ही इसको समय निर्माण करने में भी लगा, बहुत समस्याओं से जूझना पड़ा, सारे सदस्यों को बहुत सारा क्या योगदान रहा, बहुत समस्याओं को झेलना पड़ा संविधान को बनाने में। और इसके सदस्यों ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का जो इतिहास था वहाँ से भी सीख लिया कि हमें भारतीय संविधान को निर्माण किस तरीके से करना चाहिए, हमारे लोगों के पास क्या समस्याएं हैं और किस समस्याओं का प्रावधान करने के लिए हम रूल बनाए, नियम बनाए, और किसे हम संविधान में इसे हम संविधान में लागू कैसे करें। तो इन्हीं सारे बातों का बैठक चल रहा था 9 दिसंबर 1946 को, और इस समय हमारा भारत अविभाजित था, लेकिन इस बैठक से हमारे भारतीय संविधान का निर्माण होने की प्रक्रिया बस थोड़ी सी आगे बढ़ी, पूरी तरीके से संपन्न नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, पहली बैठक में तो कोई भी जो संविधान का निर्माण करने का जो प्रोसेस था वो थोड़ी आगे बढ़ी, लेकिन संविधान का एडजेक्ट निर्माण नहीं हो पाया। नतीजा क्या हुआ कि संविधान सभा को दूसरी बैठक लगानी पड़ी। अब ये दूसरी बैठक कब लगाया, तो ये लगाया गया था 14 अगस्त 1947 को, लेकिन ये था 9 दिसंबर 1946 को अविभाजित भारत में, अर्थात इस समय हमारे भारत में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं हुआ था, ना ही पाकिस्तान भारत का विभाजन, ना ही बिहार का विभाजन, यानी किसी, जब भारत और पाकिस्तान का ही विभाजन नहीं हुआ तो फिर बिहार और बंगाल और उड़ीसा की तो बात ही दूर है। तो यहाँ पे बता रहे थे 14 अगस्त 1947 को हमारे भारतीय संविधान सभा का दूसरी बैठक लगा, और ये लगा था विभाजित भारत में। कब लगा था, विभाजित भारत में लगा था, ठीक है। संविधान सभा का दूसरी बैठक विभाजित भारत में हुआ, और कब, 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। अब बात यहाँ पे आया कि हमने भारतीय संविधान सभा की क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान सभा में कुछ सदस्य होगा। अब उस सदस्यों की नियुक्ति कैसे किया जाएगा, तो ये जो सदस्य था, इस सदस्यों की नियुक्ति 1935 के जो प्रांतीय स्तर का जो विधान सभा था, यानी 1935 में जो स्थापित किया गया था विधानसभा, यही विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से हमारे भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की नियुक्ति किया जाता था, और इसी के आधार पर हमारे भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया गया। किसके आधार पर,
1935 का जो विधान जो सभा था, उस सभा का गठन किया गया, यानी प्रांतीय स्तर पे। क्वेश्चन आपसे ये आ सकता है कि प्रांतीय स्तर पे भारत में विधानसभा का गठन कब किया गया, यानी कि निर्माण कब किया गया, तो 1935 ईस्वी में प्रांतीय स्तर पे, ठीक है। अब प्रांतीय स्तर का जो विधानसभा का सदस्य था, उन्हीं सदस्यों के द्वारा किस विधि से, तो अप्रत्यक्ष विधि से। यहाँ पे तीन चार क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये विधान जो सभा है उसका गठन कब किया गया प्रांतीय स्तर पे, 1935 में। और ये जो संविधान सभा के सदस्यों के चुनने का जो प्रोसेस है वो कौन से प्रक्रिया के द्वारा, तो अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा। तो ये सारे प्रश्न आप लोग कवर करते हुए चलेंगे, तो इसी के अकॉर्डिंग चुना गया। अब बात यहाँ पे आया कि संविधान जो हमारा था, भारतीय संविधान था, यानी भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो भारतीय संविधान सभा के द्वारा कार्य किया जा रहा था, ये कार्य किस योजना के अंतर्गत कर रहा था या फिर किस योजना के अनुसार कर रहा था, इसे जानना जरूरी है। तो आपको बता दें कि ब्रिटिश का ये जो हमारे भारत का जो संविधान सभा था, ये किस योजना पे काम कर रहा था, तो ये लगभग ब्रिटिश का एक ऐसे योजना जिसको हम मिशन कैबिनेट के नाम से जानते हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये भारतीय संविधान का निर्माण की प्रोसेस चल रहा था। तो आपसे ये भी प्रश्न आ सकता है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने की जो प्रोसेस है वो किस योजना के अंतर्गत किया जा रहा था, तो वो किया जा रहा था मिशन कैबिनेट। और मिशन कैबिनेट किस देश का योजना था, तो वो था ब्रिटिश का, यानी ब्रिटेन का था। इसमें क्या था, मिशन कैबिनेट में क्या था कि ये संविधान सभा का एक क्या था, एक सोच था, एक टारगेट था, एक लक्ष्य था कि हमें भारत में, हमें अपने देशों में, क्योंकि ब्रिटिश का ये था तो ब्रिटिश के लिए सोचेगा, ये इसका ये सोच था कि हम अपने देशों में कुछ जनता के प्रति कुछ ऐसे बुनियादी नियमों का हम प्रस्तुतीकरण करें जिससे जनता में कुछ समन्वय बना रहे, न्यूनतम समन्वय बना रहे, और साथ ही संविधान के ऊपर जनता को भरोसा भी बना रहे, यानी संविधान को लेकर जनता के प्रति क्या होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि नहीं, अगर मेरे साथ कोई अन्याय करता है तो हमें साथ देने वाला संविधान है। जिस तरीके से किसी मुश्किल परिस्थिति में हमें किसी व्यक्ति का भरोसा होता कि नहीं, अगर मुझे फीवर आएगा या फिर कुछ भी आएगा तो मेरा ये दोस्त है, मुझे सहायता करेगा, या फिर मेरे माँ पिता कुछ भी, यानी भरोसा होता, उसी तरीके से हमारे देश के जनता को भी, यानी ब्रिटिश के देश, ब्रिटिश जो देश था वहाँ का जनता को संविधान से आशा था। ठीक उसी प्रकार, क्योंकि इसी योजना के अंतर्गत भारत का भी संविधान का निर्माण हो रहा था, तो भारत के संविधान में भी क्या बोलना है कि भारत की जनता को भी भरोसा था भारतीय संविधान के ऊपर। ऐसा ये सोच रहे थे संविधान निर्माण करने वाले लोग कि हमें ऐसा संविधान बनाना है जिससे सभी संपूर्ण भारत के लोगों को संविधान के ऊपर भरोसा बना रहे। तो ये हमने देखा कि भारतीय संविधान कैसे बना। स्टार्टिंग हुआ हमारी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से, और ये हुआ था विभाजित भारत में, लेकिन इससे क्लियर नहीं हो पाया। 14 अगस्त 1947 को दूसरी बैठक लगा भारतीय संविधान सभा का, वो लगा था विभाजित भारत में। संविधान सभा के सदस्यों का नियुक्ति कैसे किया जाता है, तो 1935 में जो प्रांतीय स्तर पे जो विधानसभा का निर्माण किया गया था उसी के आधार पे विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का नियुक्ति अप्रत्यक्ष विधि से होता है। और भारतीय संविधान सभा संविधान को निर्माण करने की प्रक्रिया कौन सी योजना के अनुसार कर रहा था, तो वो कर रहा था मिशन कैबिनेट। और मिशन कैबिनेट कहाँ की योजना था, तो वो था ब्रिटिश का। तो ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन था, आप चाहे तो ये छोटे पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि जो भारत का जो संविधान है उसका क्या स्वरूप रहा, तो आप लोग इसे नोट करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने देख रहा था कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुआ और दूसरी बैठक कब हुआ, और उसके अंतर्गत किस प्रकार से हमारे भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चयन किया जाता था, इन और हमारे जो भारतीय संविधान सभा का सदस्य था वो किस योजना के अंतर्गत संविधान का निर्माण कर रहा था, इन सारे बातों का जानकारी हम लोगों को प्राप्त हो चुका। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान सभा का स्वरूप क्या रहा, यानी संविधान सभा का स्वरूप क्या था, यानी अंतिम जो स्वरूप होता वो क्या था। तो आपको बता दें कि 3 जून 1947 को, ठीक है, 3 जून 1947 के योजना के अकॉर्डिंग क्या हुआ था,
कि हमारे जो विभाजित भारत था, विभाजित भारत होने के बाद क्या हुआ कि हमारे भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की जितनी संख्या थी उसमें से वैसे सदस्य को हटा दिया गया जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे क्या कि हमारे संविधान को निर्माण करने में दो बैठक हुआ संविधान सभा का। पहली बैठक अविभाजित भारत में, तो जाहिर सी बात है कि अविभाजित भारत में पाकिस्तान के लोग भी कुछ होंगे, यानी जो हिस्सा में अभी पाकिस्तान पड़ता है उस वहाँ के लोग भी होगा उसमें शामिल, और भारत के लोग भी शामिल होगा। नतीजा क्या हुआ कि मान लिया कि यहाँ पे 400 कुल सदस्य था, भारत और पाकिस्तान के लोगों को मिलाकर 400 सदस्य था, क्योंकि अभी तो अविभाजित नहीं हुआ था तो हम इसको पाकिस्तान तो बोल नहीं सकते थे, ये भारत में ही था। लेकिन जैसे ही विभाजित हुआ, आपको पता है 14 अगस्त 1947 ईस्वी को विभाजित भारत का दूसरी संविधान सभा का बैठक चला, तो क्या हुआ कि विभाजित भारत का जब बैठक चला तो उसमें क्या हुआ, 3 जून 1947 की योजना के अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि 3 जून 1947 की योजना के अंतर्गत क्या किया गया कि जो विभाजित भारत में जो संविधान सभा के सदस्यों की जो संख्या थी उसमें से वैसे सदस्यों को हटा दिया गया जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्रों से चुनकर आए थे, यानी जो वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया वैसे सदस्यों को भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की संख्या से हटा दिया गया। तो जैसे मान लिया कि पहले 400 था, अब बच गया मान लिया कि 299, ठीक है, तो वर्तमान स्वरूप कितने सदस्य बचा भारत में, यानी पाकिस्तान को अलग हो जाने के बाद भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 बचा। मान लिया कि सपोज करना आपको कि पहले 400 था, अब 299 बचा। अब ये 299 में से क्या किया कि 284 लोगों ने 26 नवंबर 1947 ईस्वी को, कब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या किया कि फाइनली रूप से जो हमारे संविधान का जो प्रस्ताव था उस पर अपना हस्ताक्षर कर दिया। कितने लोगों में से, 299 सदस्य कुल भारत के अधिकार क्षेत्र में थे, लेकिन उसमें से सिग्नेचर कितना किया, 284 लोगों ने ही प्रस्ताव पे हस्ताक्षर किया और फाइनल बाउंडेशन लगा दिया गया कि फाइनल हमारा संविधान का निर्माण हो चुका है, अब संविधान में हमें किसी को बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है, संविधान में जो रूल बनाया गया है उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि सब भारतीय संविधान का अंतिम स्वरूप कब आती है, यानी भारतीय संविधान का जो निर्माण करने की जो अंतिम चरण है वो कब आती है, तो वो है 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि इसी के दिन हमारा संविधान फाइनल बन चुका था। अब हम पहली बैठक के बारे में बताए थे कि 9 दिसंबर 1946 को, तो 9 दिसंबर 1946 से आप 26 नवंबर 1949 को जब इसके दोनों बीच के अंतर को निकालेंगे, दोनों के बीच का आप अंतर निकालेंगे तो एक डिजिट आएगा, वो आएगा 2, 11 और 18। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे भारतीय संविधान तो 26 नवंबर 1949 को फाइनल बन गया, अब बनने में समय कितना लगा, तो यही आंकड़ा है, 2 साल यानी 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा हमारे भारतीय संविधान को बनने में। क्योंकि अब बात यहाँ पे आया कि ये मान लिया कि 100 पेज का ही है, 100 पेज का संविधान है, यानी संविधान मान लिया कि 100 पेजों में लिखा गया, तो एक 1000 पेज का बुक छापने में एक दिन में छाप लिया जाता है, तो फिर हमारे भारतीय संविधान सभा को बना, हमारे भारतीय संविधान को बनाने में इतना समय क्यों लगा, तो क्योंकि इसमें बहुत सारा विवाद उत्पन्न हुआ। कुछ सदस्यों को बातें अच्छी लगती थी तो बोलता था कि हाँ हम तुम्हारे सपोर्ट में, कुछ लोग उसका विवाद भी करते थे, लेकिन यहाँ पे अपने हितों के लिए कोई विवाद खड़ा नहीं करता था। सभी सदस्यों का यही लक्ष्य था कि हम जनता को कुछ ऐसा बुनियादी नियम दें जिससे जनता खुश हो और जनता, सभी प्रकार के जनता इसको फॉलो कर सके। ऐसा नहीं है कि हम संविधान बनाए हैं तो हम संविधान के नियमों को उल्लंघन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। संविधान बनाने वाले इसका पुजारी था, इसको फॉलो करने वाला सबसे प्रथम व्यक्ति था, क्योंकि इन्होंने हस्ताक्षर करके संविधान के रूलों को फॉलो करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा पूरे संविधान को बनने में, और ये कब से आपको अगर फाइंड आउट करना है तो आप कर सकते हैं। पहले आपको डेट देना 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 दोनों के बीच का जब डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इससे पता चलता कि हमारे भारतीय संविधान का निर्माण लगभग 3 वर्षों में हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी
समस्या झेलने के बाद हुआ, एक बहुत बड़े इतिहास रचने के बाद हुआ, और इतने समय के बाद किसी भी देश का संविधान, इतने समय किसी भी देश को संविधान को लागू करने में इतना समय नहीं लगा। लेकिन 26 नवंबर 1949 को तो संविधान बन गया, तो क्या ये इसी दिन से फॉलो होना शुरू हो गया, यानी इसी दिन से हमारे देश में लागू हो गया? बिल्कुल नहीं। हम लोग एक गणतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो गणतंत्रता दिवस हम लोग किस अवसर पे मनाते हैं? तो यही वो दिन है जिस दिन हमारा संविधान, गणतंत्र का मतलब होता है हमारे देश के बागडोर को चलाने के लिए कुछ जो शासन प्रणाली है, यानी जो कुछ नियम कानून है, उसी नियम कानून को हमारे देश में कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 से फॉलो कर दिया गया था। और यही वो दिन है जिसको हम लोग गणतंत्रता दिवस के नाम से जानते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं गणतंत्रता और स्वतंत्रता में क्या होता है। तो स्वतंत्रता में आपको सीधा ये सोचना कि स्वतंत्रता में बस हम आज़ाद हुए थे, हमें अंग्रेजों के सरकार को भगाकर भारतीय सरकार का गठन किए थे, ठीक है, तो इसीलिए उसको स्वतंत्रता का नाम दिया गया। लेकिन गणतंत्रता में होता है हमारे देश का कानून लागू हुआ उसी दिन से, इसीलिए हम लोग गणतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे ही हम लोग क्या करते हैं, झंडोत्तोलन करते हैं, और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे भी करते हैं। तो ये था हमारा पूरा एक भारतीय संविधान कैसे बना, इसका स्वरूप क्या रहा, और कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान का जो प्रस्ताव था उस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। कुल सदस्य कितना था, 299। इसमें से कितने सदस्यों को हटाया गया, यानी कौन से सदस्यों को हटाया गया, तो वैसे सदस्य जो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र से चुनकर आए थे वो। तो ये एक बहुत बड़ी पकड़ हो गया हमारे भारतीय संविधान के ऊपर कि भारतीय संविधान कैसे बना, इसका संविधान सभा का स्वरूप क्या रहा। तो बताइए कि कैसा लगा आज का हमारा वीडियो। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, और वो भी एजुकेशन से जुड़े, जो कि आप लोगों के मेंस के राइटिंग में इसे आप लोग बेहिचक यूज कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है ये आपको पीटी में, यानी जो प्रारंभिक जो परीक्षा होता है उसमें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, और पूरी संविधान को हम लोग पढ़ेंगे, संविधान सभा का जितना भी टॉपिक है सारे को पढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक आगे का आएगा कि संविधान सभा का जो कार्य करने की जो शैली है, यानी ये किस अंदाज में अपना कार्य करती है वो, उसके बाद हम इसको कार्य विधि भी देखेंगे कि ये कहाँ पे कार्य करती है, इसने कितने नियम दिया, कितने अनुच्छेद, कितने प्रस्तावना, कितने भाग, कितने अनुसूची, और साथ ही फिर ये भी हम लोग देखेंगे कि हमारे भारतीय संविधान में कौन से रूल किस देशों से लिया गया। जैसे भारत एक संघ राज होगा, राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद एक में ये बात कहा गया है, तो अनुच्छेद एक में बात ये कहा गया। अब ये बात को कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से, तो ये लिया गया था अमेरिकी संविधान से, ठीक है। इस तरीके से लगभग 14 से 15 देशों के संविधान से हमारे संविधान में शब्दों को जोड़ा गया है, तो उन सारे शब्दों को हम लोग विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खूब जमकर पढ़ाई करेंगे और अपने अपने मंजिल को पाने में जी जान से जुटे रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।